इंदौर शहर में नगर निगम पानी के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं जुटाने में लगा है, तो वहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति मनमानी पर अड़ी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब MIC मेंबर मनीष शर्मा मामा ने कुलपति की ओर से टंकी बनाने की परमिशन न मिलने पर अनशन की चेतावनी दी है। वहीं अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से नगर निगम इंदौर में जब से नई परिषद बनी है, नगर निगम कमिश्नर और महापौर का आपस में सामंजस्य नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, इसी की सजा इंदौर शहर आज भुगत रहा है। इंदौर शहर गड्ढों में तब्दील हो गया है, धूल के गुब्बारे बने। जो इंदौर शहर पूरे देश में सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर शान है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की परिषद पलीता लगा रही है, महापौर के द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक अपरिपक्वता है, और इसी का उदाहरण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक है, और जब जनता के हित को लेकर, जनता के काम को लेकर, अगर कोई पानी की समस्या को लेकर कोई टंकी का निर्माण होना चाहिए, और अगर DVV के वाइस चांसलर मना कर रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात नहीं हो सकती। ये 100% राजनीतिक रूप से विफलता है, और हमको आने वाले समय में सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक लोग और ब्यूरोक्रेसी साथ में काम कैसे करेगी और कैसे हमारे शहर का और हमारे प्रदेश का विकास होगा। देखिए, पानी की टंकी हमारी 13 करोड़ और उसकी मंजूर हो चुकी थी, शासन ने हमें उसकी परमिशन दे दी थी। हमारे विधायक आकाश सुजर जी के प्रयासों से हमारे वार्ड में पानी की टंकी का जो काम था ये हुआ है। तो हम इससे टंकी बनाने के लिए शासन ने बोल दिया है, काम शुरू हो गया था, भूमि पूजन हो गया। जिस दिन काम शुरू हुआ उसके 3 दिन बाद उन्होंने उसको काम को रुकवा दिया वहां जाके। तो शासन ने अगर किसी चीज की परमिशन दी है तो आप ये शासन स्तर पर इनको बात करना चाहिए, उसको रुकवाने के लिए, ना कि स्पॉट पर जाके कोई काम को रुकवाना चाहिए। हमारे नगर निगम के अधिकारी सभी वहां पे मिलने गए, मैंने खुद ने बात करी, विधायक गोलू शुक्ला जी ने इनसे बात करी, लेकिन ये एक घट बना के जो बैठे हुए हैं। और 25,000 हमारे यहाँ के जो रहवासियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि आप अभी देखेंगे जल संकट कितना है और कितनी हमारे यहाँ बहुत बस्तियाँ बहुत है और बहुत परेशान है लोग, कॉलोनी और बस्ती के लोग। तो इससे हमारा पूरा 25,000 लोगों को फायदा मिलेगा। जनहित में कुलपति महोदय को सोचना चाहिए कि जनहित में कम से कम इतना अच्छा काम हो रहा है, लोग प्याव खुलवाते, लोग पानी देने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन अब एक हट बना के बैठ गई है मैडम।